जय भीम नोबुद्धाय। मैं हूं करण बौद्ध और आप देख रहे हैं बुद्ध नाइस चैनल। बाबा साहब ने क्यों कहा कि मैं भगवान बुद्ध से 2500 गुना छोटा हूं? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। 26 नवंबर 1956 की घटना है। आगरा से सर्वमान रघुनाथ प्रसाद कर्दम चक्की पाठ वाले, रतन कुमार पिप्पल, चरण सिंह, चिरंजी लाल पिप्पल आदि कर्मठ कार्यकर्ताओं बाबा साहब के दर्शन करने के लिए आए। उत्तर प्रदेश में आगरा सदा ही अछूतों के आंदोलन का केंद्र रहा है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब से प्रार्थना की कि वह आगरा अवश्य पधारें। कार्यकर्ताओं ने आश्वासन दिया आगरावासी उन्हें चांदी से तोलना चाहते हैं। बाबा साहब ने कहा कि हमें ब्राह्मण बनियों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण बनियों के गठजोड़ का एक ही ध्येय है कि पैसा कमाएं। ऐसा करने के लिए वह देश हित को बेचने या अपने धर्म को बेचने में आनाकानी नहीं करते हैं। अछूतों को ऐसा न करके देशभक्ति और धार्मिक बनना चाहिए। बौद्ध धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसमें वर्ण व्यवस्था, जात भेद या ब्राह्मण की श्रेष्ठता का प्रश्न नहीं है। एक कार्यकर्ता ने कहा, बाबा साहब आप स्वयं धर्म की नींव डालें और चलाएं। इस पर बाबा साहब ने कहा, बौद्ध धर्म हमारे पूर्वजों का धर्म है और विश्व धर्म है। इसे अपनाने से सारा अछूत समाज विश्व में मान मर्यादा पाएगा। मुझे अपने नाम और कृति की आवश्यकता नहीं है। यह करोड़ों अछूतों और पिछड़े वर्गों के उद्धार का प्रश्न है, इसलिए सभी को भगवान बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। एक कार्यकर्ता ने कहा, बाबा साहब स्वयं भगवान बुद्ध हैं। इस वाक्य को सुनते ही बाबा साहब ने कहा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं भगवान बुद्ध से 2500 गुना छोटा हूँ। आज से 2500 वर्ष पूर्व जब आज का विज्ञान नहीं था, तब उन्होंने विज्ञान की बातें कही है। मानव को मानवता के पथ पर लाने के लिए भगवान ने अतिदीपो भव अपना दीपक स्वयं बनो का महान संदेश दिया है। इस वैज्ञानिक युग में भगवान बुद्ध का संदेश अमर है और अमर रहेगा। ऐसे महामानव की तुलना किसी व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। हमें भगवान बुद्ध पर अनन्य श्रद्धा तथा उनके उपदेशों पर चलने का दृढ़ प्रयत्न करना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।